एक बहुत ही ब्रिलियंट इंडोर गेम आपको मिलेगी सिर्फ Amazon पे 400 टू 500 की प्राइस रेंज में। अभी वो कौन सी गेम है? वो है ये वाली चेस गेम। इसे आप रेनबो चेस गेम भी बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको रेनबो कलर की बॉल्स मिलेंगी और इस गेम को आप खेल कर खत्म कर सकते हो सिर्फ 15 से 16 मिनट में। अभी इस टाइम पे सब लोग बहुत ज्यादा लंबी गेम नहीं खेलते, इसलिए ये वाली गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है ये ऑफलाइन मार्केट में, और ऑनलाइन आपको Amazon पे भी बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अभी आगे हम देखेंगे इसे किस तरीके से खेल सकते हैं। आप जब इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको मिलेगा इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म, और साथ में मिलती है आपको इस तरीके की कलरफुल बॉल्स जिनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप देख रहे होंगे कि शाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगर दो लोग खेल रहे हैं तो इसे इस तरीके से आपको डायमंड शेप में रखना है, और अगर चार लोग खेल रहे हैं तो इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में रखना है। जब इसकी अनबॉक्सिंग कर लोगे तो इसके अंदर मिलेंगे आपको इस तरीके की 48 बॉल्स, और मिलेगा एक प्लेटफॉर्म, और साथ में मिलेगा बैट जिसमें आप ये सारी बॉल्स संभाल के रख सकते हो जब ये गेम खत्म हो जाएगी उसके बाद भी। खेलने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको रैंडम जो भी बॉल्स मिलेंगी आपको इसमें लगा देनी है। जो ये बीच वाला स्लॉट है इसको स्टार्टिंग में हमेशा खाली रखना है सो दैट कि आप इस बॉल को इधर से उधर मूव कर पाओ। इस गेम का ऑब्जेक्टिव है आपको इस सारी की सारी बॉल्स है इनको खत्म करना है। खत्म करने का मतलब आपको इस तरीके से स्लाइड करना है, तो आपके ये तीन कलर मैच हुए तो आपने उठा के अपने पास रख लिए। अभी सेकंड प्लेयर आएगा तो सेकंड प्लेयर कुछ इस तरीके से इन दोनों कलर को मैच करेगा और वो दो बॉल्स उठा के इधर रख लेगा। अगर तीन बॉल सेम कलर की है तो भी आप पिक कर सकते हो, दो बॉल सेम कलर की है तो भी पिक कर सकते हो। तो बेसिकली जो ये गेम है उसको आपको तब तक खेलना है जब तक ये सारे कलर मैच होना बंद नहीं हो जाते। एंड में आपके पास मैक्सिमम 6 से 7 बॉलें बचेंगी, उसके बाद कलर मैच होने बंद हो जाएंगे, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हो। इट मींस कि इस गेम का एंड हो गया। अभी एंड में जीतेगा कौन? एंड में वो जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा बॉल्स होंगी। हो सकता है कि दोनों के अंदर टाई हो जाए, अगर टाई हुआ तो जिसके पास एक कलर की सबसे ज्यादा बॉल्स होंगी यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा प्लेयर होंगे वो होगा विनर। ये एक फैमिली गेम भी है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। आप आगे का समझ पाओगी, आगे आप कौन सा कलर मैच करके उसे पिक करके अपने पास रख सकते हो। दो लोग भी खेल सकते हैं, चार लोग भी खेल सकते हैं। एक घर पे अगर छोटा सा गेट टुगेदर है तो उसमें भी ये चार लोग खेलेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आई होप आपको इस वीडियो में ये गेम समझ में आ गई होगी किस तरीके से खेलते हैं। आप चाहो तो इसे Amazon से भी खरीद सकते हो। ये एक कैंडी क्रश वाले कॉन्सेप्ट वाली गेम है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जब आप खेलोगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जब आप इस गेम को खेलोगे तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपको लगेगी जो बार बार आ रही है, जो इसके स्लॉट है वो काफी पास पास है। मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये गेम थोड़ी सी और बड़ी होती, जो ये स्लॉट है वो थोड़े थोड़े दूर होते, तो आपको कुछ ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता, आपको एक गेम खेलने का और भी ज्यादा मजा आता। बहुत अमेजिंग गेम है, ट्रेंडिंग गेम है, तो मुझे लगा आपको ये गेम बहुत पसंद आने वाली है, तो मैंने इसकी वीडियो बना दिया।